सभी का स्वागत है। जय श्री राम। चलिए बात करते हैं कल के दिन बाजार कैसा काम कर सकता है। और जो कल मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग होने के बाद हमको सेलिंग देखने को मिलेगी, उसका लॉजिक भी मैंने आपको बताया था। सपोर्ट जो हमने बात किया था बिल्कुल उसी तरीके से काम किया है निफ्टी और बैंक निफ्टी ने। आज कैसे काम कर सकता है उसके बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिए। अगर आप नए आए हो हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप पहले से हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको बताई थी, बैंक निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये निफ्टी का चार्ट है और ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। अब देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आज के दिन जो हमको देखने को मिली ये आपका देखिए डोजी कैंडल है। यानी डोजी कैंडल का क्या मतलब है, बाजार नीचे की साइड काफ़ी आया था, लेकिन नीचे की साइड आने के बाद अगर आप देखो तो यहाँ से जो बायर आए वो बाजार को ऊपर की साइड लेकर गए, ठीक है। प्लस आज के दिन अगर हम बात करें तो यहाँ पे हुआ क्या है कि कल का जो आपका देखिए यहाँ का जो हाई था, ये वाला जो हाई था उसके ऊपर देखिए यहाँ पे हमको क्लोजिंग देखने वाली, और इस वाली कैंडल का जो क्लोजिंग था इसके ऊपर भी देखिए हम यहाँ पे क्लोजिंग देने में कामयाब हो पाए हैं। यानी जो कैंडल हमको यहाँ पे एक डोजी टाइप दिखाई दे रही है ये वाली कैंडल, इस कैंडल में हमको क्या दिखाई दे रहा है कि आज के दिन इसने देखिए इसके ऊपर क्लोजिंग दी है, और कल का जो कैंडल का उसके हाई के ऊपर भी क्लोजिंग दी है, और उसके देखिए यहाँ पे जो क्लोजिंग था उसके ऊपर भी क्लोजिंग दी है। अब ये कैसे बना है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये कल का कैंडल है, एक बड़ा कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, ये आपका देखिए इसका काम है, ठीक है। इसमें ये क्या दिखाई दे रहा है, ये इसमें दिखाई दे रहा है देखिए इसका हाई हुआ ये वाला, और यहाँ पे आपको ये क्या दिखाई दे रहा है इसका क्लोजिंग हुआ, ठीक है ये वाला। अब लेकिन आज का जो कैंडल बना है ये कैंडल आपका इस टाइप का बना है, देखिए यहाँ पे इसका जो ऊपर का बिक है और ये नीचे का बिक है, ठीक है। लेकिन नीचे के बिक में अगर आप देखो तो बाजार नीचे की साइड आया था, लेकिन इसने क्लोजिंग ऊपर की साइड दी है, ठीक है। इतना चीज़ आपको समझ में आया। अब यहाँ पर अगर मैं एक और चीज़ बताऊँ तो यहाँ पे जो आपका बाजार देखिए यहाँ पे आपका 51,900 के आसपास यहाँ पे हमको क्लोजिंग देखने वाली। जब भी ये एक राउंड नंबर के आसपास क्लोजिंग दिखाई देती है तो राउंड नंबर पे क्लोजिंग होने का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको 52,000 का एक लेवल दिखाई देगा, ठीक है। जब आपका 52,000 का एक लेवल है तो वो एक साइकोलॉजी प्राइस का एक लेवल है, उसको हम राउंड नंबर भी बोलते हैं। अब जब ये नीचे होकर आया जो आपका नीचे वाला जो प्राइस था 51,000 का, ये भी एक राउंड नंबर था। अगर मैं बात करूँ तो 50,000 का जो प्राइस है ये भी एक राउंड नंबर है। अगर ऊपर की साइड बात करें तो ऊपर की साइड आपका 52,000 जो कि अभी आपका जो प्राइस है ये भी एक राउंड नंबर है, ठीक है। अब जो 52,000 का जो प्राइस है ये अपने आप में एक राउंड नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, क्योंकि बिल्कुल उसके पास में हमको क्या दिखाई दे रहा है, बिल्कुल उसके पास में यहाँ पे हमको क्लोजिंग देखने को मिली है। जब भी एक राउंड नंबर के पास आपको एक क्लोजिंग देखने को मिलती है अपर साइड में, तो वो अपने आप में एक रेजिस्टेंस होता है। उसमें 100 से लेके देखिए आपके 50 पॉइंटों की जो रेंज होती है वो रेजिस्टेंस का काम करता है। और अगर ये नीचे की साइड था, जैसे कि आपने देखा होगा कि ये नीचे की साइड था, तो यहाँ पे हमको क्या दिखाई दे रहा था, ये अपने आप में देखिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था, जब ये आपका इस वाली रेंज में था जो आपका 51,000 का रेंज था, ठीक है। 51,000 का जो आपका प्राइस था, तो उस प्राइस के अगर 100 और 50 पॉइंटों की रेंज में है बाजार, तो वो अपने आप में एक सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। ये चीज़ें हमको देखने वाली आज के दिन बैंक निफ्टी में। अब देखें यहाँ पे और चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, मैं आपको देखिए वो चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ जो आपको मार्केट में समझ आए, मार्केट में फॉलो आप कर पाओ। अब देखिए जैसे कि मैं आपको यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाता हूँ या आपको 5 मिनट का चार्ट लगा के दिखाता हूँ सबसे पहले। तो 5 मिनट के चार्ट पे हमको क्या दिखाई दे रहा है, 5 मिनट के चार्ट पे जैसे ही मैं आपको ये छोटा चार्ट कहता हूँ तो यहाँ पे देखिए आपको कुछ पैटर्न मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। 5 मिनट का चार्ट देखोगे तो यहाँ पे जे वाला जो जोन बना है ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ें कवर करता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखिए कि हमको पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता था, यानी ये इसी रेंज के अंदर काम करता था। हम और आगे जाते हैं इसके आगे तो यहाँ पे देखिए हमारा ये रेजिस्टेंस था, ठीक है। लेकिन अब अगर आप देखो तो ये इस वाले जोन में आ चुका है, यानी हो क्या रहा था, ये पहले आपका इस जगह काम करता हुआ दिखाई देता, इस जगह देखिए इसने काम किया,
फिर इस जगह इसने देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद इस जगह काम करता हुआ दिखाई दिया इस वाली रेंज के अंदर, लेकिन अब इसने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, जो कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक अच्छी क्लोजिंग देखने वाली, जो कल की क्लोजिंग से उससे ऊपर हमको क्लोजिंग दिखाई दी आज की, ठीक है। और अपने राउंड नंबर के पास भी यहाँ पे ये काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसमें हो क्या सकता है कि अगर ये इसके ऊपर जाता है, ये वाला जो प्राइस है, अगर ये इसके ऊपर जाता है तो हमको फिर इसमें रजिस्टेंट क्या देखने को मिल सकते हैं। पहला इसका जो रजिस्टेंट होगा वो 52,150 का देखने को मिलेगा, और फिर इसका जो ऊपर एक और रजिस्टेंट देखने को मिलेगा वो 52,000 आपका ऑलमोस्ट 52,350, और फिर इसके बाद देखिए 52,444 का, ठीक है। ये हमको तीन रेजिस्टेंट ऊपर की साइड देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ बताओ कि यहाँ पे आपने ध्यान दिया होगा, कल मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी लोग होल्ड करके गए हैं और बाजार आपका गैप के साथ ओपन हो जाता है तो उसमें आपको सेलिंग देखने को मिलेगी। क्यों देखने को मिलेगी? सिंपल सी बात है, मैंने होल्ड किया है अगर बाजार के अंदर, मेरी अगर प्रॉफिटेबल हो गई बाजार में 9-15 के आसपास मैं आ गए अपने प्रॉफिट के अंदर, और उतना प्रॉफिट मुझे मिल रहा है जितना मैं इंटर डे के अंदर सब कुछ करता जब जाके मुझे प्रॉफिट मिलता, और वो चीज़ मुझे आपकी मार्केट ओपन होने के बाद ही मिल गया, तो मैं ज़रूर उसको बुक करूँगा। और वहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे देखिए ये आपका बाज़ार ओपन हुआ और वहाँ से आपके प्रॉफिट बुकिंग आ गई, मेन चीज़ यही मैंने आपको कल के दिन बताया था। अब देखिए यहाँ पे ये हमको रेजिस्टेंस तो देखने वाले, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको 1 आवर्स का चार्ट लगाता हूँ तो 1 आवर्स के चार्ट पे हमको क्या क्या चीज़ें समझ में आ रहा है, ठीक है। 1 आवर्स के चार्ट में जो मैंने आपको कल के दिन पैटर्न समझाए थे कि बाजार इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक कर चुका है, इस वाले रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर चुका है, अब ये यहाँ पे आते हुए देखिए यहाँ पे काम कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए 52,000 का आपका ऊपर की साइड एक रेजिस्टेंस का और एक साइकोलॉजी लेवल देखने वाला है। अगर ये इसको ब्रेक करता है तो ये यहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि आपका 52,400 का एक प्राइस देखने को मिलता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है कि ये आपका गैप के साथ ओपन हो रहा है, इसमें गैप के साथ मिल रहा है, तो उसमें फिर आपको वेट करना पड़ेगा, उसमें आप एंटर नहीं कर सकते, उसमें वेट करना पड़ेगा, कुछ समय बिताना पड़ेगा। अगर समय बिताने के बाद फिर जो ऊपर की साइड निकलता है जब उसमें हम काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अब देखिए निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी का भी पैटर्न बहुत अच्छा है, ठीक है। बस पैसा वहीं बनना है जहाँ पर हम अपने रिस्क मैनेजमेंट को कर पा रहे हैं। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दे के रखा है, उसको आप जाके ज्वाइन कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। जो भी अपडेट होता है मैं उस जगह आपको कह देता हूँ, जो भी न्यूज अपडेट होती है वो मैं आपको बता देता हूँ उस जगह, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आपको अकाउंट ओपन करना है उसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। और यहाँ पर अगर देखिए पैटर्न अगर आप समझोगे ना तो पैटर्न बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बस समझने वाली काम है। कल एक कमेंट आया था मेरे पास कि सर आपने अपडेट किया बहुत अच्छा लगा, और आप जो चीज़ें बता रहे हो ना उससे बहुत बेनिफिट मिल रहा है, लेकिन बेनिफिट दोस्त ऐसे नहीं मिलेगा। आपको अगर बेनिफिट उठाना है, रियल में अगर आपको बेनिफिट उठाना है, तो वीडियो को पूरा देखा करो, समझा करो कि मैं चीज़ें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपको ये नहीं बता रहा, मुझे एक स्पाइक मिल गया, इस स्पाइक का जो ब्रेकआउट हो गया, इस स्पाइक का नीचे, अगर लॉन्ग टर्म चल रहा है ना तो इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट लॉन्ग टर्म में क्या चाहती है, मार्केट में लॉन्ग टर्म में क्या चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो एक सेलिंग देखने वाला, इसके बारे में मैंने कई बार बात किया है। हम यहाँ पे देखिए एक पैटर्न बनना है, इस पैटर्न में हो क्या रहा है कि बाजार देखिए पहले ए पैटर्न बनाया था, इस ए पैटर्न का जे वाला लेवल था, और यहाँ पे देखिए ये हमारा रेजिस्टेंस था, इसको टेस्ट किया था इस वाली कैंडल ने जो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। अब ये टेस्ट कर चुका है अपने रेजिस्टेंस को, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस हुआ, ये सेकंड रेजिस्टेंस हुआ, ठीक है। ये टेस्ट कर चुका है, अब यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, इसी जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये ऊपर की साइड आता है, इस वाली प्राइस पे आता है, तो वहाँ पे सेलिंग जोन है। लेकिन नीचे की साइड अगर आप देखो तो अब ये आपका क्या बन चुका है, नीचे की साइड आपका सपोर्ट जोन बन चुका है, जो कि आपका 24,900 के समथिंग हमको क्या देखने को मिला, अब इस जगह हमारा एक सपोर्ट लेवल देखने को मिल चुका है, ठीक है। इसके आसपास आता है हम बाइंग कर सकते हैं, लेकिन ऊपर की साइड ऐसा नहीं है कि सीधे निकल जाएगा, हमको ऊपर की साइड एक प्राइस देखना है, जो कि आपका 25,250,
अगर इसके ऊपर ये निकल जाता है तो हमको क्या नई तेजी देखने को मिलेगी, बाकी इसी जोन में काम करेगा। ऊपर की साइड आपका ये निकलने की कोशिश करेगा, जब भी हमको तेजी देखने को मिलेगी बाकी इसी जोन के अंदर हम इसके अंदर काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, FIS का डेटा देख लेते हैं। FIS का डेटा क्या कहता है, तो FIS का डेटा मैंने आपको कल भी बताया था कि FIS और DIS में लगातार फाइट हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट है। मतलब अगर आप देखोगे ना तो DIS क्या कह रहे हैं, तुम बेचो कितना माल बेचोगे, 60,000 करोड़ का तो हम माल वैसे ही खरीद चुके हैं। लेकिन FIS भी कह रहे हैं कि हम बेचेंगे और अब आप देखोगे तो 62 करोड़ के समथिंग का माल बेच चुके हैं, लेकिन पूरा माल इस जगह DIS खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब जो अमेरिकी मार्केट के मैंने आपको कुछ संदेश बताए थे, कुछ चीज़ें बताई थी, तो यहाँ पे आप समझिए। देखिए जो डाउ जोन है, डाउ जोन में क्या हुआ, एक सेलिंग देखने वाला, जो सेलिंग वाला आपको कैंडल दिखाई दे रहा है, थोड़ा इंपैक्ट पड़ेगा। बीच बीच में बाजार ऊपर जाएगा तो इंपैक्ट पड़ेगा, हमको अपनी खुद की तेजी के साथ बाजार में ऊपर जाना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने आपको बोला क्रूड ऑयल में सेलिंग देखने वाली, क्रूड ऑयल से हमको बेनिफिट मिलता है, जब क्रूड ऑयल से हमको बेनिफिट मिलता है तो थोड़ा बाजार में वहाँ से इंपैक्ट आता है। अब जो अमेरिकी मार्केट में जो सेलिंग आ रहा है उसका भी थोड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन जो लेवल है हमारे पास, जो चार्ट पैटर्न है हमारे पास, उस डेटा का उपयोग करना है और जो चीज़ें मैंने आपको बताया उसका उपयोग करना अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ। बाकी वीडियो कैसा लगा जी आप मुझे बिल्कुल बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।